जो अभिमान पर चोट मारे साधक जनों, वह सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, वह आपका परम हितकारी होगा। तभी वह आपके अभिमान पर चोट मार के तो आपके अंदर का अभिमान बाहर निकालने की चेष्टा करेगा। संत ज्ञानेश्वर आज ऐसे ही दयालु हुए हुए हैं। अतएव सिद्ध चांगदेव के मुख से निकलवाया, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे आत्मबोध दीजिएगा, मुझे आत्मज्ञान दीजिएगा, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिएगा। एक 1400 वर्ष का सिद्ध 16 वर्ष के भक्त से शिष्यत्व की भीख मांग रहा है, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिएगा। बहुत से शिष्य उनके साथ आए हुए थे, उनके शिष्य। अतएव भक्त ज्ञानेश्वर ने, संत ज्ञानेश्वर ने शर्त रखी, चांगदेव जी मैं आपको शिष्य तब स्वीकार करूंगा यदि आपके इन शिष्यों में से कोई अपनी बलि देने को तैयार हो तब। शिष्यों ने ये बात सुनी, अतएव एक एक करके खिसकने लग गए, सभी के सभी शिष्य खिसक गए। मानो ये अभिमान कि मेरे इतने शिष्य हैं वह भी खत्म हुआ। इधर उधर देखा, इधर उधर झांका, मेरे लिए कोई भी शिष्य बलि देने को तैयार नहीं हुआ, तो काहे के शिष्य हैं ये? ये क्या शिष्य है, कौन इन शिष्य कहे? अतएव ये अभिमान भी चांगदेव का दूर हुआ। कहते हैं चांगदेव ने हाथ जोड़ के कस के पांव पकड़ के कहा, ज्ञानेश्वर जी मैं ही अपनी बलि देने को तैयार हूं, पर मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिएगा। कहा, मुझे तन के सिर की बलि नहीं चाहिए। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, देवियों सज्जनों, मुझे तन से जो जुड़ा हुआ सिर है इसकी बलि नहीं चाहिए। सामान्यतः तो हम यही समझते हैं ना कि बलि का अर्थ ये है, इस मुंड को दे देना, चढ़ा देना, ये बलि है, नर बलि है या पशु बलि है, यही अर्थ है। उनका मुंड उनको काट के तो उनके आगे चढ़ा दिया जाता है, इसे बलि कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर स्पष्ट करते हैं, कहते हैं, चांगदेव मुझे तन वाला मुंड बलि नहीं चाहिए, मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे तेरा अहम चाहिए, मुझे अहम की बलि चाहिए, अपने अहम की बलि दे। जो ये सोचता था कि मेरे इतने शिष्य हैं, जो ये सोचता है मेरा आश्रम है, जो ये सोचता है कि मैं गुरु हूं, मेरे इतने शिष्य हैं, ये मेरा है, मेरा इतना बड़ा आश्रम है, मैं इतनी सिद्धियों का मालिक हूं, ये मैं करने वाला है, जो सिर है ना, मुझे उसकी जरूरत है जिसे अहम कहा जाता है। तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तब मैं तुम्हें नामदान दूंगा, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। परमेश्वर साधक जनों लाज रखता है, परमेश्वर बहुत कृपा करता है, जिसके प्रति ईर्ष्यालु हैं लोग, उस बेचारे को पता भी नहीं होता कि उसके प्रति ईर्ष्यालु हैं, लेकिन ईर्ष्या की अग्नि से न जाने कितने लोग जल रहे होते हैं, उस बेचारे को कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति देवियों सज्जनों एक दिन कबीर साहब के साथ आ गई। कबीर साहब की ख्याति को देखकर अनेक संत महात्मा, सामान्य व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु हो गए उनके प्रति। अतएव उन्हें पता नहीं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, देखो नीचा दिखाने वाला किस प्रकार से डंक मारता है, आप सोच नहीं सकते किस प्रकार से नीचा दिखाना है उन्हें। कबीर साहब को आज चिट्ठियां भेज दी संतों महात्माओं को, सैकड़ों की संख्या में चिट्ठियां चली गई। परसों कबीर साहब बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, मेहरबानी करके सबके सब पधारिएगा। बेचारे कबीर को कुछ पता ही नहीं कि ये चिट्ठियां लिखी गई हैं, उसे नीचा दिखाने का ढंग। लेकिन परमात्मा तो जानता है, परमात्मा तो लाज रखता है ना, परमात्मा तो कृपा करता है, दया करता है,
मानो वह अपने भक्त की किसी प्रकार से भी लाज पर आंच नहीं आने देता। अतएव भंडारे का दिन सैकड़ों की संख्या में काशी में उनके आश्रम के आगे तांता लग गया है। कबीर साहब, देखा ये क्या बात है? अतएव भूसी वाले कमरे में छिप के बैठ गए। मैं क्या कर सकता हूं इस वक्त? मेरे घर अपने लिए रोटी नहीं है, मेरे घर लोई के लिए रोटी नहीं है, मैं इतने सारे संतों महात्माओं को कहां से रोटी खिलाऊंगा? अतएव भूसी वाले कमरे में छिप के बैठ गए। कहते हैं देवी सज्जनों, ये सच्ची गाथाएं हैं, कंकॉक्टेड स्टोरीज नहीं है, सच्ची घटनाएं हैं। कहते हैं क्या देखते हैं? भगवान का सिंहासन हिला, चल लक्ष्मी लोई बन, मैं कबीर बनता हूं। दोनों अपने भक्त की जाके लाज रखते हैं, अनेक देवी देवता और साथ लिए जो सेवा करने के लिए है। एक बैलगाड़ी के ऊपर आगे कबीर सा बैठे हैं, साथ लोई बैठी हुई है, ढेर सारा सामान। आके भजन कीर्तन हुआ, भजन कीर्तन के बाद भंडारा हुआ। ऐसा भंडारा कभी जिंदगी में उन संतों महात्माओं ने कभी नहीं देखा था। ऐसा भोजन, स्वादु भोजन कभी जिंदगी में इससे पहले नहीं खाया हुआ था। तो परमात्मा ने लाज रखी। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो कबीर साहब बाहर निकले भूसी वाले कमरे में से। इतना ही कहा, ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो हरी किया, कहत कबीर कबीर। तो यहीं साधक जनों समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।